इस वैलेंटाइन डे कई बातों पर क्वेश्चन मार्क और कई बातों पर फुल स्टॉप लगने वाला है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का ट्रेलर भी दो चार दिन पहले रिलीज हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा एक बार देखना हक बनता है। फिल्म का जो नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी, नाम के जैसा ही फिल्म की स्टोरी भी इम्पॉसिबल है या पॉसिबल होगा ये तो फिल्म देखने के बाद ही मालूम चलेगा। फिल्म 9 फरवरी 2024 को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है, आपको बिल्कुल देखना चाहिए। कपल लव स्टोरी फिल्म है, शाहिद कपूर और कृति सनन एक साथ लव स्टोरी लव रोमांस करते आप देखने वाले हैं आपको। और स्टारकास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर, कृति सनन, धर्मेंद्र, डिम्पल कपाड़िया। फिल्म की कहानी कुछ इस बेस पर घूमती है कि लड़का लड़की दोनों मिलते हैं, दोनों को प्रेम होता है, फिर घर वाले बीच में आते हैं जैसे तू झूठी मैं मकार, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म। फिर घर वाले कैसे उसमें बीच बीच में आते हैं, फिर वो दोनों अलग होते हैं, फिर घर वाले किस तरह से सब इकट्ठे होते हैं, साथ आते हैं। तो ये कहानी थी, ठीक कहानी इसकी भी वैसे ही कुछ है कि जब घर वालों को मालूम चलता है, शाहिद कपूर को मालूम चलता है कि लड़की पूरी तरह से रोबोट है, तो फिर आगे क्या होता है ये फिल्म देखने के बाद हम कुछ कह पाएंगे। डायरेक्ट किया इसको अमित जोशी ने, प्रोड्यूस किया है दिनेश विजान ने। दिनेश विजान की और सारी फिल्म जैसे कि लुका छिपी, मिम्मी, राबता, तो अच्छी फिल्म है, तो इसको भी अच्छी फिल्म की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। और देखने के अपने जो फिल्म का लिस्ट है, अगर आप एक कपल लव स्टोरी फिल्म देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए सुटेबल होने वाला है। फिल्म का जो बजट भी काफी ज्यादा है, 40 से 50 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी और अच्छा करेगी, जो बशर्ते अभी एक फिल्म अभी आपने देखा होगा अमेजन प्राइम वीडियो पर आई है वो इंडियन पुलिस फोर्स, इसे तो बहुत अच्छा करेगी और करना भी चाहिए, अच्छी फिल्म है, बिल्कुल आपको देखना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले मीटिंग।